Hello friends, welcome to the weekly video series from Equity 99. मैं प्रतीत पटेल, on behalf of Equity 99, आप सबका स्वागत करता हूँ। Friends, पिछले सप्ताह लगातार 6 सप्ताह की तेजी के बाद निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और ये प्रॉफिट बुकिंग जरूरी भी है क्योंकि लगातार 6 सप्ताह में निफ्टी 97 से लेके ऊपर में 11,350 तक आ गए। सो नॉन स्टॉप करीबन 1600-1700 पॉइंट की तेजी के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आया है। सो ये वेलकम प्रॉफिट बुकिंग है और ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट हेल्थी बनता है। लेकिन आप सबने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के बावजूद भी सिलेक्टेड सेक्टर्स और स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, खास करके सप्ताह के पिछले 3 दिन जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया तब फार्मा शेयर्स में बहुत ही बढ़िया तेजी देखी। सो मार्केट का अंडरटोन बुलिश है, सेक्टर और स्टॉक्स रोटेट हो रहे हैं, लेकिन मार्केट का मोमेंटम तेजी तरफी यथावत है, बरकरार है। सो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, मार्केट यहां से मे बी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आए, करेक्शन आए, लेकिन डिप्स में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिसको आपको एनकैश करना है। और वीकली वीडियो सीरीज में हम ऐसी ही स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सके। वीकली वीडियो सीरीज में अभी तक हमने 11 स्टॉक्स, लगातार 11 सप्ताह से इस वीकली वीडियो सीरीज चल रही है और ये 11 सप्ताह में 11 स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। ये 11 स्टॉक्स में अभी तक मैक्सिमम 93% तक का रिटर्न बन चुका है। दो स्टॉक ऐसे हैं जिसने 90% से ऊपर का रिटर्न दिया है। सो मैं आपको पहले बताऊंगा कौन से वीक में कौन सा स्टॉक रेकमेंड किया था। सबसे पहले 17 मई को धानुका एग्री रेकमेंड किया था जिसमें 93% का रिटर्न बना है। 25 मई को जेके सीमेंट रेकमेंड किया था जिसमें 41% का रिटर्न बना है। 31 मई को रेडिको खेतान रेकमेंड किया था जिसमें 25% का रिटर्न बना है। 8 जून को रैलीज इंडिया रेकमेंड किया था जिसमें 32% का रिटर्न बना है। 15 जून को लॉरस लैब रेकमेंड किया था जिसमें अगेन 92% का रिटर्न बना है। 22 जून को गोदरेज एग्रो रेकमेंड किया था जिसमें 16% का रिटर्न बना है। 29 जून को हुडको रेकमेंड किया था जिसमें 39% का रिटर्न बना। 6 जुलाई को श्री कला हस्ती पाइप रेकमेंड किया था जिसमें 18% का रिटर्न बना। 13 जुलाई को सन फार्मा रेकमेंड किया था जिसमें 10% का रिटर्न बना। 20 जुलाई को शिल्पा मेडिकेयर रेकमेंड किया था जिसमें 11% का रिटर्न बना। और पिछले सप्ताह डायनेमिक प्रोडक्ट रेकमेंड किया था जो पिछले फ्राइडे के रेट से 24% का रिटर्न बना के दिया। और ये वीडियो सीरीज कुछ इश्यू की वजह से हम लेट रिलीज कर पाए थे। सो जब रिलीज किया वो प्राइस से देखे तो 12% का रिटर्न बना। फ्रेंड्स, इक्विटी 99 में हम लोग मार्च महीने के हिस्टोरिक करेक्शन के बाद 3 सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा बुलिश रहे हैं और काफी टाइम हमने ये तीनों सेक्टर के बारे में डिस्कस किया है। ये सेक्टर्स है फार्मा, एग्रोकेमिकल और सीमेंट। वीकली वीडियो सीरीज में हमने जो 11 स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशन दी है उसमें भी 3 स्टॉक्स एग्रोकेमिकल्स और 3 स्टॉक्स फार्मा से बिलोंग करते हैं। आज हम फार्मा और एग्रोकेमिकल सेक्टर का कॉम्बो लेकर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो कंपनी है वो एग्रोकेमिकल और फार्मा दोनों सेक्टर्स में काम करती है और इस कंपनी का नाम है हाइकल लिमिटेड। भारत फोर्ज वाला बाबा कल्याणी ग्रुप 1988 में एस्टैब्लिश्ड हुई हाइकल लिमिटेड का को प्रमोटर है। हाइकल लिमिटेड फार्मा सेक्टर में एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, एपीआई, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग और एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट जैसे वर्टिकल में काम करती है। आप सब जानते हो एपीआई आज का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है और इस सेक्टर में हमने ऑलरेडी आईओएल केमिकल्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, लॉरस लैब, आरती ड्रग्स, शिल्पा मेडिकेयर, सोलारा फार्मा
जैसे स्टॉक्स के बारे में बहुत ही नीचे के प्राइस पर रेकमेंड किया है। इनफैक्ट अप्रैल 2020 में हमने आरती ड्रग्स 700 रुपये में रेकमेंड किया, लॉरस लैब 450 रुपये में रेकमेंड किया और IOL केमिकल 270 रुपये में रेकमेंड किया। वहाँ से ये स्टॉक्स 3 डिजिट में रिटर्न्स दे चुके हैं। हाइकल लिमिटेड जो फार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है वो जिग्नी और पनोली प्लांट में बनते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन में भी ये कंपनी एल्गीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, बायोसाइड जैसे वर्टिकल में प्रोडक्ट्स बनाती है। क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट कंपनी महाड़, तलोजा और पनोली के प्लांट में बनाती है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट भी कंपनी महाड़ और पनोली के प्लांट में बनाती है। कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो कंपनी की इक्विटी सिर्फ 25 करोड़ है, उसके सामने कंपनी के पास करीबन 800 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी में प्रमोटर्स 68.77%, FPI 5.41%, म्यूचुअल फंड्स 1.26% और पब्लिक 24.56% स्टेक ऑन करते हैं। FY20 में कंपनी का बोरोइंग 661 करोड़ से कम होके 562 करोड़ हुआ है। FY20 में कंपनी का सेल्स 1590 करोड़ से कम होके 1507 करोड़ हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 298 करोड़ से कम होके 273 करोड़ हुआ है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 103 करोड़ से कम होके 84 करोड़ हुआ है। कंपनी ने FY20 में 6.85 की EPS क्लॉक की है और करंट प्राइस पे यह स्टॉक 22.6 के PE से कॉट हो रहा है। FY20 के लिए कंपनी ने 50% का डिविडेंड दिया है। कुल मिला के कंपनी जो दो सेक्टर में काम करती है दोनों में बाकी कंपनियों ने बहुत ही अच्छे जून क्वार्टर्स के नंबर दिए हैं और दोनों सेक्टर्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ये कंपनी भी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ऐसी हमको उम्मीद है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने ये स्टॉक हमारी टेलीग्राम चैनल पे 132 में और 145 में रेकमेंड किया है और हमारी रेकमेंडेशन के बाद स्टॉक ऊपर में 160 का हाई बना चुका है। सो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में अच्छी तेजी हुई है, तो ये स्टॉक में एक साथ बाइंग करने की बजाय हर गिरावट पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सलाह रहेगी। हमारे हिसाब से आने वाले 12 से 18 महीने में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है, तो जो भी निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और API फार्मा और एग्रोकेमिकल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो लोग हाइकल लिमिटेड को हर गिरावट पे ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।